शास्त्री नगर शॉपिंग सेंटर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला को सांस लेने की तकलीफ होने लगी। क्षेत्रवासियों ने वहां मौजूद चिकित्सक प्रदीप जयसिंघानी को मौके पर बुलाया और महिला की जांच कराई। चिकित्सक ने महिला की हालत खराब होने के चलते 108 बुलाई और संदिग्ध महिला रोगी को अस्पताल भेजा गया। चिकित्सक के अनुसार महिला को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और उसकी ट्रेवल हिस्ट्री के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं आई है। महिला को अस्पताल भेजने के बाद क्षेत्र को सैनिटाइज भी किया गया। हम आपको इस खबर के माध्यम से बताना चाहते हैं, अगर ऐसी कोई सूचना आपके पास है, आसपास इस तरह की कोई मरीज सामने आते हैं, तो तुरंत चिकित्सा विभाग और जिला पुलिस को संपर्क करें। सर, किस तरह की आपको जानकारी मिली, क्या हुआ? सर, ये एक आज लेडीज सुबह हॉस्पिटल के अंदर, पुलिस लाइन हॉस्पिटल के अंदर आई थी, सांस की ज्यादा दिक्कत आ रही थी। तो कोई हिस्ट्री नहीं थी, फीवर की नहीं थी, न खांसी थी, सांस की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, न बैठ पा रही थी, न तो मैंने इसको अर्जेंट इसको GLN रेफर किया था हॉस्पिटल से। फिर ये वहाँ से हॉस्पिटल से निकली, हॉस्पिटल के बाद ये वापस सोचा कि मैं घर जाके आऊँगी, फिर वापस मैं घर से चले जाऊँगी GLN। तो ये क्या, घर से जाके खाना खा के आई तो, और वो ये शॉपिंग सेंटर के आसपास शास्त्री नगर में आके गिर गई और सांस में ज़्यादा दिक्कत कर रही थी। तो अड़ोस पड़ोस ने वापस कंट्रोल रूम में फ़ोन करा कि यहाँ पे एक लेडीज़ है जिसको सांस में दिक्कत आ रही है, तो इन्होंने 108 इनको कॉल किया। तब से वो लेडीज़ फिर मेरे वापस कंट्रोल रूम से फ़ोन आया था, तो मैं अचानक 11 बजे करीब फ़ोन आया था, तो मैं शास्त्री नगर में यहाँ देखा तो इसके रियल में यहाँ उसको दिक्कत आ रही है सांस में। और इसको मैंने कहा कि सुबह आपको रेफ़र किया गया था तो क्यों नहीं गए, तो कह रही थी मैं अकेली हूँ, मेरे को कोई ले जाने वाला नहीं है, और 108 को इन्होंने कॉल कर दिया था तो अभी तक नहीं आई थी, तो ये बहुत परेशान है। तो हमने कंट्रोल रूम का कहा है, तो कंट्रोल रूम वालों ने कहा कि अभी आ जाएगी गाड़ी। तो अब ये नहीं, इसमें देखो न तो इसको फीवर की हिस्ट्री आ रही है, न खांसी की इतनी आ रही, पर इसके सांस फेफड़ों में ज़्यादा दिक्कत आ रही, सांस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, तो अचानक इसलिए मैंने भेजा था। कहीं हो तो कह नहीं सकते, अभी तो कहना बड़ा मुश्किल है, जब तक तो बिना जांच के कह नहीं सकते, तो जांच करानी चाहिए, तो मैंने भेज दिया था GLN, इसको रेफर किया हुआ। इस संबंध में CEO नॉर्थ डॉक्टर प्रियंका मेघवंशी से फोन पर बातचीत करने के बाद उन्होंने बताया कि महिला को खांसी, सर्दी, जुकाम और बुखार नहीं था, फिर उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। मैम, ये जो शास्त्री नगर में जो महिला वाली बात आ रही है, वो संदिग्ध मानकर उसको 108 में एडमिट कर, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हुआ ये था कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी वाया संबडी, वो जो वहाँ पर पास में शॉप, तो हमारे पास वी गॉट अ कॉल कि एक लेडी है और उसको ना प्रॉब्लम हो रही है, वीकनेस हो रही है, और वो हॉस्पिटल जाना चाह रही है जी, और उसके पास कोई कन्वेंस नहीं है जी, और कोई साधन नहीं है, ठीक है। जिस पे मैं सबसे पहले वहाँ पर गई थी उस लेडी से बात की, तो उसने कहा मुझे वीकनेस हो रही है, मुझे जुकाम नहीं है, मुझे खांसी नहीं है, मुझे बुखार नहीं है जी, लेकिन बस मुझे इंटरनली वीकनेस हो रही है और मुझे थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रॉब्लम लग रही है। जिस पे मैं मेरे डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने मुझसे कहा कि आप एक बार टेस्ट करा लो, ठीक है। इतनी सी बात हुई थी, फिर उसके बाद हमने उससे कहा कि भाई मैम अभी चीज चल रही है, एहतियातन हम आपको किसी के साथ नहीं भेजेंगे, मैं 108 को बुलवा देती हूँ, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। वहाँ पर जो शॉपकीपर थे उन्होंने उनको पानी दे दिया, वहाँ पर जो पास में नाका लगा था वहाँ पर मैंने मेरे पुलिस वालों को बोल दिया कि आप देख लेना, ये चले जाए, उसके बाद स्प्रे करवा देना। उस कहानी बस इतनी सी है। अब उसमें वो संदिग्ध है या नहीं है, शी वॉन्टेड टू गो एंड सी द डॉक्टर, हमने सिर्फ इसकी इतनी सी मदद की है कि हमने डॉक्टर्स को पहुंचवाया है, और हम ये मान के काम कर रहे हैं कि अगर कहीं से कोई चीज हो तो लूटेंट हमारे साथ से लापरवाही ना हो। उसके अंदर इन्होंने सबने अपने हिसाब से पहुंच गए, इन्होंने संदिग्ध कर दिया, ये कर दिया, जितनी मेरी उस लेडी से बात हुई उसने कोई ऐसी बात नहीं की थी, ठीक है। अब क्या स्थिति है मैडम इसकी, लेटेस्ट पोजिशन? टेस्ट तो वो लोग करते हैं, रिपोर्ट भी वहीं पे आती है। अरे, तो उसको घर छोड़ दिया है या अस्पताल में एडमिट है? देखिए, हमारा फॉलोअप सिर्फ 101 तक का था, ओके, है ना, मैंने तो नाम भी डिस्क्लोज नहीं करना था। हाँ, ठीक है मैम, अच्छा है। भाई, हम क्यों पेशेंट्स का नाम मैडम, कल को वो नहीं निकले तो वो आजू बाजू वाले, क्योंकि लोगों को डर इतना इस बीमारी का। मैम, वो चैनल पर कोरोना संदिग्ध लिखते तो शहर से फोन आने लग गए, लोग बस बेवकूफ ही कर रहे हैं। कल भी यही वाली चीज, अरे थोड़ी सी समझ से काम कर लो, इधर उधर अगर पॉजिटिव आएगा तो रिपोर्ट में तो कोई नहीं छुपाएगा ना, स्टेट रिपोर्ट में तो जी 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 वो आएगा ही आएगा। एक बार चीज को जाने तो हर चीज को प्रेजेंट करने का तरीका है। अब वो लेडी वापस जाती है, आसपास के जांच नगर वालों को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप क्या कर लोगे, उसका रहना वहाँ मुश्किल हो जाएगा उसका वहाँ। फिर हमने भी तो बात की ना
पानी वगैरह उन्होंने भी दिलवाए, मेरे पुलिस वाले भी थे। मैंने कहा मैम अगर जनरल सर्कमस्टेंस होते मैं आपको मेरी गाड़ी से छोड़ देती। सही है, ठीक है ना, पर अभी सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि मैं ये लापरवाही अफोर्ड नहीं कर सकते। जी सही बात है, तो आपको वेट करना पड़ेगा, मेरी एम्बुलेंस कहीं गई हुई है, क्योंकि मुझे मालूम था कि एम्बुलेंस को हमने कहीं और भी भेजा हुआ था। जी जी, अब जहाँ से भी हमें ऐसा आता है कि लोग बस बुखार और सांस की कंप्लेन कर रहे हैं, हम डायरेक्टली अलग मोडस ऑपरेंडी पे चले गए। बिल्कुल, क्योंकि किसका कौन सा रिश्तेदार आके रुक गया किसी को क्या पता है। सही बात है मैडम, ठीक है ना, लोग बस छुपा ही रहे, ये बात ठीक है। तो आप पूरा क्लियर कवरेज दे दो इसमें, बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरीके से।